तो दोस्तों ये जो है इस ट्रेन का टिकट है जो हमें ले जाएगा जयनगर से लेकर जनकपुर तक। ये देखिए ट्रेन जो माइल लग चुकी है फिलहाल। सीट नंबर ओ थ्री, सीट नंबर में क्या लिखा है? स्टैंड। मतलब खड़े खड़े सीट को यही नहीं तुम्हारा। लो चार बज चुका है भाई, ट्रेन में तो कुछ ज्यादा ही भीड़ दिख रही है। अभी ये ट्रेन जस्ट आया है सवारियों को लेकर। क्या नाम था इसका? आलू चौक प्याजा। अगर किन नाम चाहिए? प्याजी। अच्छा मतलब ये प्याज का पकड़ा हुआ है। तो भाई जनकपुर धाम आ गए। आया जनकपुर। या या हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग पे। तो इससे पिछले वाले ब्लॉग में आप सभी ने देखा होगा कि हमने जो है शुरू कर दिया है अपना जर्नी इंडिया से लेकर नेपाल तक। और आप सभी को मैंने अपने पिछले वाले ब्लॉग में दिखाया था कि अभी जो है मैं अपने गाँव बिहार सुपौल से जो है निकला हूँ जयनगर के लिए। और अभी जो फिलहाल देख सकते हो कि हम लोग जो है जयनगर स्टेशन पर जो है पहुंच रखे हैं। और इस व्लॉग में आप सभी देखने वाले हैं इंडिया से नेपाल तक ट्रेन जर्नी। जी हाँ दोस्तों, जयनगर में जो है नेपाल के लिए ट्रेन चलती है। तो आज जो है हम यहीं से जाने वाले हैं जयनगर से लेकर जनकपुर तक। तो अभी जो है मैं फिलहाल यहाँ जयनगर स्टेशन पर हूँ। और अभी जो है हमें सबसे बड़ा काम है जो कि है हमें करेंसी को कन्वर्ट कराना। तो अभी मैं जा रहा हूँ फिलहाल जयनगर स्टेशन के बाहर, वहाँ पर जो है इंडियन करेंसी को जो है नेपाली करेंसी में जो है कन्वर्ट करके देते हैं। तो सबसे पहले हम वो काम करते हैं, उसके बाद जो है हम यहाँ फिर से आएंगे। और ट्रेन जो है करीब शाम के जो है 3:45 के आसपास है, फिर यहाँ हम ट्रेन जर्नी करने वाले हैं। ये फर्स्ट एक इंटरनेशनल जर्नी होने वाला है इंडिया से नेपाल। काफ़ी अच्छा भाई सुविधा दिया गया है। और स्टेशन दिखाता हूँ आप सभी को कितना अच्छा लग रहा है अभी। तो ये जो है जयनगर स्टेशन है, इधर आप सब देख सकते हो ये सारी जो है इंडियन ट्रेनें हैं, ये जाती है दरभंगा मधुबनी की तरफ। लेकिन जो इधर वाला जो है हिस्सा है, इधर से में जो है नेपाली ट्रेन आती है। वो जो प्लेटफॉर्म देख रहे हो वहाँ पर जो है, वहाँ अभी नेपाली ट्रेन आएगी और हम उसी से जाने वाले हैं। और ये देखिए स्टेशन, ऊपर वाले गेट का तो पता नहीं वो खुलेगा या नहीं, लेकिन अभी जो हम नीचे आए हैं देख सकते हो। अभी मैं वहाँ वीडियो बना रहा था और नीचे से जो है यहाँ का जो है इस साइड जा रहे हैं, इधर ही जो है नेपाली ट्रेनें चलती है। चलिए, अरे यहाँ से रास्ता है पूरा देखो खुला हुआ। हम सोच रहे थे वो दरवाज़ा खुलेगा, आओ ना। तो अभी जैसे सबसे पहले हम जा रहे हैं टिकट कटाने के लिए। तो टिकट जो है इस साइड मिलता है। क्या यहाँ से पता करोगे ये क्या भाई? तो अभी जो फिलहाल यहाँ से पता किया है कि ट्रेन का जो है टिकट है वो 3 बजे मिलना चालू होता है। और ट्रेन जो है यहाँ 4:45 पे है, यानी कि 4:45 बजे ट्रेन है। मुझे लग रहा था 4:45 बजे है, लेकिन ट्रेन जो है वो 4:45 बजे है। तो अभी जो हमें यहाँ देखते हैं, कुछ और चीज़ें पता करते हैं। यहाँ भाई नए नए हैं हम लोग, यहाँ गर्मी से बहुत बुरा हाल हो रहा था तो इसीलिए जो है गमछा निकाल लिया है भाई, थोड़ा सा राहत मिलेगा। गमछा को गीला कर लिया मैंने और आराम से इसमें जो है अपना मुंडी आ गया है। चलिए अब जहाँ आ गए यहाँ जयनगर स्टेशन से बाहर, और यहाँ जो हम जा रहे हैं अभी करेंसी चेंज करने के लिए और भैया जी के लिए कुछ शॉपिंग करेंगे, मज़ा आएगा। यहाँ पर 100 रुपये मिल रहे हैं 2 हाफ शर्ट, दाम है भाई, क्वालिटी है चीज़ों में। अरे ये फिजिक्स वाला यहाँ कैसे आ गए? यहाँ भी आ गए, बड़े पॉपुलर है यार। ये देखिए हमारे सर यहाँ भी आ गए। इधर जाओगे? स्टेशन के बाहर जो है बहुत मतलब लोग बैठे रहते हैं बैग लेके, जहाँ आपके करेंसी जो है आराम से चेंज हो जाएगा। दोस्तों फिलहाल जो हम लोग यहाँ पे अपनी बोरी बिस्तर बिछा के बैठे हुए हैं ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। अभी सिर्फ 1 ही बजे हैं, अभी हमें करीब जो है 4-5 घंटे जो है और इंतजार करना है। यहाँ ऐसे बैठे बैठे समझ नहीं आ रहा क्या करें ना करें। चलिए अब जब ट्रेन आएगा आपसे भी जल्दी बताऊंगा। 2000 years later। 4 बज चुका है भाई, ट्रेन में तो कुछ ज़्यादा ही भीड़ दिख रही है। अभी ये ट्रेन जस्ट आया है सवारियों को लेकर, टिकट लेते हैं। चलो ना यार, बहुत टाइम हो गया। तो दोस्तों अभी जो हम लेने आए हैं यहाँ पर टिकट, और यहाँ देखिए यहाँ टिकट के पैसे लिखे हैं। ये जो है सामान्य कोच एसी कोच देख सकते हैं आप लोग, टिकट का फेयर ऐसा है। और अभी हम ले रहे हैं 2 जनकपुर का टिकट। तो दोस्तों ये जो है इस ट्रेन का टिकट है जो हमें ले जाएगा जयनगर से लेकर जनकपुर तक। ये देखिए ट्रेन जो माइल लग चुकी है फिलहाल, और हमारे पास टिकट भी आ चुका है। लेकिन ये जो टिकट का हमारा प्राइस पड़ा हुआ है कितना पड़ा प्राइस का? 70 रुपीज़ पर पर्सन फॉर जनरल क्लास। जनरल क्लास मतलब इंडियन रुपीज़ में? हाँ, हम लोग एसी में जाते हैं। हाँ, एसी में पड़ता 350 रुपया पर पर्सन। हाँ, तो हमने सोचा इसीलिए कि 1 घंटे का सफ़र है उसमें भाई फालतू में कितने क्यों देते हैं ज़्यादा पैसे, इसीलिए जो अभी हम जा रहे हैं जनरल क्लास में ही। खड़े खड़े चले जाएंगे आराम से अपना। सीट नंबर ओ थ्री, सीट नंबर में क्या लिखा है? स्टैंड। मतलब खड़े खड़े सीट को यही नहीं तुम्हारा। लो भाई
समझे, सीट नंबर स्टैंड है। तो चलिए भाई, सीट नंबर तो स्टैंड है, तो खड़े खड़े जाएंगे हम लोग। तो फिलहाल जो भी हमारा ट्रेन खुल चुका है जयनगर से, और धूप इतना लड़ देखिए ट्रेन में, इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा है, ये आदत दुल्हन बनना पड़ रहा है। धूप नहीं लगता, हम ब्लॉगर छी, पता चलता है यूट्यूब देखे छी हैं, तो यूट्यूब पे जो है चैनल है मेरा एजे लाइफ जन के नाम से, सर्च करना। यूट्यूब चलता है नेपाल में? चलता है नेपाल में यूट्यूब? अच्छा, ये भी यूट्यूबर है। हमारा ट्रेन पहुंचा है अपने दूसरे होल्ड जो कि है खजूरी। हमारे सबके ना खजूरी एक खाए वाला चीज़ रहे, पता क्यों? खजूरी एक खाने वाला चीज़ होता है। और तुम्हारे यहाँ स्टेशन है, क्या मिल रहा है? लूट मच रहा है, कचरी का लूट मच रहा है। क्या है, आलू चौप है क्या? दोस्तों अभी हमने क्या लिया है, क्या नाम था इसका? आलू चौप, प्याजा। अगर किन नाम से प्याजी? अच्छा, मतलब ये प्याज का पकौड़ा हुआ एक टाइप का। तो ये प्याज का पकौड़ा जो यहाँ पे लिया है हमने, चलिए टेस्ट करते हैं। आप टेस्ट करो ना पहले। चलिए मैं भी टेस्ट करता हूँ, इसके बाद आपसे मिलता हूँ। देखिए अंदर से कुछ ऐसा है, जो है पूरा प्याज का प्याज जो है डाल देते हैं। अब जैसे हमारे घर वगैरह में बनते हैं उसमें, तो मतलब प्याज के पूरे छोटे छोटे पीस कर देते हैं, इसमें पूरा भाई साबुत प्याज करा दिया है इसमें। अभी जो है हमारा ट्रेन पहुंचने वाला है महिनाथपुर, और उसके बाद जो है एक और स्टेशन है ना महिनाथपुर के बाद, उसके बाद एक और स्टेशन है, उसके बाद जो हम पहुंच जाएंगे जनकपुर। 6:30 बजे तक जो है शायद हम पहुंच जाए। अभी टाइम हो रहा है 5:15, नहीं 6 बजे से शायद पहले पहुंच जाएंगे, 6 से पहले पहुंच जाएंगे ना। तो ये जो फिलहाल अभी ट्रेन चलती है जयनगर से जनकपुर के बीच में, इसका उद्घाटन जो है करीब 1 साल पहले हुआ था, 2 अप्रैल को, जिसमें कि जो है नरेंद्र मोदी जी ने जो है और नेपाल के जो है पीएम ने जो है इसका उद्घाटन किया था। उसके बाद से जो है ये कंटिन्यू जो है चलती है। पहले शुरुआत में तो खाली 1 बार चलती थी, लेकिन अब जो है दिन में 2 बार चलती है, 1 बार सुबह 7-8 बजे के आसपास, और 1 बार जो है ये अभी जो हम जिस ट्रेन से आ रहे हैं 4:45 पे खुलती है ये, और रिटर्न का तो पता नहीं, अभी तो हम खाली जा ही रहे हैं, नए नए हैं भाई नेपाल में, कुछ पता होता है नहीं, फालतू में बोले जा रहे हैं, लेकिन जो बताता है बता दिया भाई। अभी का जो मौसम है ना वो बड़ा अच्छा हो रहा है। हमारा बिहार पानी में डूब गया आधा, बहुत बारिश हो रही है।
आगे हमें कहाँ जाना है। आगे सबसे पहले यहाँ पुलिस की चेकिंग हो रही है, तो चेकिंग में जाएंगे, उसके बाद जो है निकलेंगे स्टेशन से बाहर। इधर देखिए, इसी ट्रेन से हम आए हैं नेपाली रेलवे, और ये है जनकपुर धाम रेलवे स्टेशन। एक्सिट यहाँ से है, अभी हम वहाँ से उस साइड से जो एक्सिट करेंगे। ये नज़ारे को देख के काफ़ी ज़्यादा जो है मज़ा आ रहा है। ये ट्रेन जो यहाँ से फिलहाल एक और स्टेशन आगे जाएगा, लेकिन हमें जो है यहीं उतरना है। कल हमें जाना है जनकपुर धाम में, जो मंदिर है वो वहाँ पे दर्शन करने के लिए, तो हमें तो यहीं उतरना था, हम उतर गए और ट्रेन अब जाएगी आगे। मेरे पीछे है जनकपुर रेलवे स्टेशन, और मुझे भी पता नहीं कि कहाँ जाना है हमें। अब देखते हैं कि रूम वगैरह लेंगे या फिर सिम कार्ड लेंगे या फिर चाय पियेंगे। पहले चाय पी लेते हैं, उसके बाद जो कुछ आगे सोचेंगे। वैसे काफ़ी अच्छा लग रहा है सब देखने में भाई। जो बात अभी हम लोग जनकपुर में जो है पहुँचे हैं, और यहाँ जा रहे हैं हम लोग मंदिर की तरफ। और अभी जो हम तलाश में हैं एक सिम कार्ड की, क्योंकि जियो का टावर यहाँ पे बिल्कुल गायब हो चुका है। वीआई और एयरटेल में जो है नेट चल नहीं रहा, थोड़ा थोड़ा टावर आ रहा है। तो देखते हैं कब तक जो हमें सिम कार्ड मिलता है, उसके बाद जो है अपना लोकेशन ट्रेस करके यहाँ मिलेगा। नहीं, फ़ोन की दुकान है, और गर्मी भी बहुत लग रहा है भाई। तो फिलहाल जो अभी हमने यहाँ जनकपुर में एक रूम ले लिया है, और अभी जो हम जा रहे हैं यहाँ से बाहर। जो कुछ सामान वगैरह लेने के लिए आया था, ब्रश, कोलगेट और ये शैम्पू वगैरह है। चलिए अब यहाँ से खाना वाना खा कर निकलेंगे फिर से होटल। यहाँ खाना है चावल की थाली, मैं खा रहा हूँ, और सुनो भैया खा रहे हैं रोटी की थाली। बहुत ज़्यादा है, खाते हैं।